फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल दैट इज ऑल अबाउट लिटरेचर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ पोम पावर बाई एड्रियन रिच। सो लेट्स बिगिन विद सम फैक्ट्स अबाउट दिस पोम। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पोम वॉज पब्लिश इन अ कलेक्शन कॉल्ड द ड्रीम ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, पब्लिश इन 1974। एंड दिस पोम इंक्लूड्स इन अ सेकेंड वेव फेमिनिज्म मोमेंट वेयर द पोलिटिकल एंड सोशल लिबरेशन वॉज द मेन मोटो ऑफ second wave feminist movement. And here the title Power shows about the central figure that is called Marie Curie, who was a scientist and two-time Nobel Prize winner who discovered radium and polonium. She won Nobel Prize for chemistry and physics, and she is the first woman who won this Nobel Prize. And here Power shows her mental power or will force of Marie Curie. Now, the thing is that here Adrienne Rich talks about her death in this poem and about the sad irony that her powerful work brought about her untimely death. So, let's begin with some first line. First line says that living in the earth deposits of our history. Here the speaker is unnamed. यहाँ हमें नहीं पता कि स्पीकर कौन है. वी कैन ओनली अज्यूम दैट मे बी द स्पीकर इज फीमेल वन, बिकॉज एड्रियन रिच इज ऑल्सो अ वुमन. दैट्स वाई वी कैन अज्यूम दैट वुमन इज द सेंट्रल फिगर इन दिस पोम. सो यहाँ जो स्पीकर है वो क्या बोल रही है, शी टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री. दैट इज दैट दिस स्पीकर अज्यूम्स अ शेयर्ड हिस्ट्री बिटवीन हरसेल्फ एंड हर रीडर्स. अपने और अपने रीडर्स के बीच में जो एक हिस्ट्री है उसके बारे में वो यहाँ पे बताना चाह रही है. मीन्स लिविंग इन द अर्थ डिपॉजिट्स ऑफ आर हिस्ट्री. हम कहाँ पे रह रहे हैं, मॉडर्न एरा में, उस जहाँ पे अर्थ डिपॉजिट्स मतलब अर्थ के अंदर, मीन्स जो अर्थ है उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी थिंग्स है. क्या है, हिस्ट्री, जो हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल, सोशल या फिर साइंटिफिक हिस्ट्री वहाँ पे छुपी हुई है. अर्थ के अंदर में बहुत सारी हिस्ट्री है. हम देखें तो टुडे अ बैक हो डाइवर्ज्ड आउट ऑफ अ क्रम्बलिंग फ्लैंक ऑफ अर्थ. अब मे बी द स्पीकर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मे बी. सो ही सेज दैट, सॉरी शी सेज दैट टुडे, आज जो हिस्ट्री के बारे में वो बताना चाह रही है वो ये है, बैकहो. बैकहो मीन्स एक्सकेवेटिंग जो मशीन है, जो खुदाई करने वाली मशीन है, उसने क्या किया, डाइवर्ज का मतलब जो सीक्रेट है, अर्थ का जो सीक्रेट है, रहस्य है, उसको बाहर निकाला. मीन्स वहाँ से हमें पता चला एक हिस्ट्री के बारे में, एक ऐसा सीक्रेट के बारे में जो मैनकाइंड है उसको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. आउट ऑफ अ क्रम्बलिंग फ्लैंक ऑफ अर्थ. क्रम्बलिंग मीन्स जो ये टुकड़े हैं, अर्थ क्या है, एक टुकड़ों में बटी हुई है. ये नहीं कि पूरी की पूरी अर्थ है, उस पर कुछ टुकड़े डिवाइड है. मीन्स जैसे लैंड, एशियन लैंड, अमेरिकन लैंड, यूरोपियन लैंड, सो इस तरीके से क्रम्बलिंग है. फ्लैंक का मतलब है एक तरीके से बॉडी का जो पार्ट होता है, इसी तरीके से यहाँ पे अर्थ का जो पार्ट है, यहाँ पर्सोनिफाई किया है अर्थ को, ऑफ अर्थ. वन बॉटल एम्बर परफेक्ट 100 ईयर ओल्ड. वो क्या है, क्या हमें सीक्रेट मिला, एक बॉटल मिली, किसकी, अम्बर. अम्बर होता है एक तरीके का येलोइस ब्राउनिस लिक्विड. वो काम आता है मेडिसिन में मोस्ट ऑफ द. अगर आपने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया हो, जहाँ पे जो वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास में जैसे बोतल होती है, एक ही बोतल से वो क्या करते हैं, सारी बीमारी ठीक करते हैं. आपको एक ही बोतल देंगे और उससे बोलेंगे कि इससे आपका फीवर भी ठीक हो जाएगा, इससे आपका निमोनिया भी ठीक हो जाएगा, इससे आपका टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ अम्बर. अम्बर होता है वैसे अर्थ के अंदर में एक लिक्विड निकलता है येलोइस कलर में, परफेक्ट और 100 ईयर ओल्ड. वो जो बोतल है, जो बैक हो है, मीन्स जो मशीन है, उसने क्या किया, उसने खुदाई की, किसकी, अंबर की, जो 100 ईयर ओल्ड था, और उसको उस सीक्रेट को बाहर निकाला. ओल्ड क्योर फॉर फीवर और मेलनकली
और टॉनिक, वो एक प्रकार का क्या है, टॉनिक है जो क्योर करता फीवर को भी और मेलनकली को। मेलनकली मतलब जो सैडनेस है, लोगों के चेहरों पे जो सैडनेस दिखती है उनको हैप्पीनेस भी वो दिलाता है ऐसा माना जाता है। जैसे उसका परफ्यूम में भी वो यूज होता है, मे बी बहुत सारी थिंग्स में वो यूज होता है। तो वो फ्रेगनेंस या फिर वो जो मेडिसिन है, जो फेक बोलते हैं फेक मेडिसिन जो ड्रिंक है, ये क्या करती है लोगों को हैप्पीनेस भी देती है, अ टॉनिक की तरह है फॉर लिविंग ऑन दिस अर्थ इन द विंटर्स ऑफ दिस क्लाइमेट। जो क्या है, इस अर्थ में थी, अब वो ओपन सीक्रेट हो गया अर्थ का इन द विंटर्स ऑफ दिस क्लाइमेट। या विंटर से मतलब है जो डिफ़िकल्ट टाइम है, वो टाइम जहाँ पे जो लिविंग बीइंग है या फिर रहना है वो भी क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है। दिस क्लाइमेट मीन्स इस प्रेजेंट एरा में, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देन सडन जो स्पीकर है वो टॉपिक चेंज करता है, अब वो सो सेंट्रल टॉपिक है, मीन्स मेन टॉपिक है, वहाँ पे आता है स्पीकर। देन शी सेज, टुडे आई वॉज रीडिंग अबाउट मैरी क्यूरी। वो हिस्ट्री के बारे में या फिर मे बी न्यूज़पेपर में मैरी क्यूरी के बारे में पढ़ रही थी, रीड आउट कर रही थी। शी मस्ट हैव नोन शी सफर्ड फ्रॉम रेडिएशन सिकनेस। यहाँ बोल रहे कि जो मैरी क्यूरी है उसको पता था कि वो, उसको मेंटल अलाइनमेंट है या फिर बहुत ज़्यादा ही, जिसकी उसने डिस्कवरी की थी रेडियम और पोलोनियम, वो क्या कर रहे, उसी की वजह से उसकी डेथ होने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा सिक हो गई है। सो नोन, वो ये जानती थी कि वो सफ़र कर रही है उस रेडिएशन से, क्योंकि ये जो रेडिएशन है ये कैंसर में भी काम आता है। कैंसर की डिस्कवरी या कैंसर की जो क्योर है उसको करने के लिए मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी ने क्या किया था, इस पर रिसर्च किया था। बट ये किस में यूज होता है, बॉम्ब बनाने में भी यूज होता है। सो वो जो रेडिएशन है उसने उसको क्या बना दिया था, सिक बना दिया था। हर बॉडी बॉम्बार्ड फॉर ईयर्स बाई द एलिमेंट्स, उसकी वजह से, उस रेडिएशन की वजह से उसका रिएक्शन क्या हुआ, बॉम्बार्ड मीन्स सिकनेस, मीन्स शी वॉज बॉम्बार्ड बाई रेडियम, रेडियम का उस पर इफेक्ट होने लगा फोर ईयर्स, बहुत सालों तक, बाई द एलिमेंट, वो जो एलिमेंट उसने डिस्कवर किया था उससे, शी हैड प्योरीफाइड, जिसको उसने प्योरीफाई किया मतलब अर्थ से उसको प्योरली उसको निकाला, उस रेडियम के बारे में खोजा, उसके बारे में रिसर्च की। इट सीम्स शी डिनाइड टू द एंड, और ऐसा लग रहा है कि उसको पता था कि ये जो रेडिएशन है इसकी वजह से उसकी सिकनेस हो रही है, वो इल हो रही है और उसकी डेथ होने वाली है, बट फिर भी उसने उस फैक्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। मीन्स द सेम थिंग दैट गेव हर पावर अल्टीमेटली ब्रॉट अबाउट हर डेथ, उसकी डेथ उसी वजह से हुई जिसकी वो रिसर्च कर रही थी, जो वो मैनकाइंड के लिए करना चाह रही थी। सो शी डिनाइड टू द एंड, उसने एंड में उसको क्या कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। यहाँ पे स्पीकर डिग्स डीप इनटू द लाइफ ऑफ क्यूरी एंड डिस्क्राइब्स हर इन डिटेल, यहाँ डिटेल में बता रही है जो स्पीकर है वो, द सोर्स ऑफ द कैटरेक्ट्स ऑन हर आइज, वो जो एलिमेंट है उसने क्या कर दिया, उसको कैटरेक्ट, कैटरेक्ट होता है जो हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद बोलते हैं, जहाँ पे आँखों में दिखना बंद हो जाता है। सो उसकी आइज को इसने इफेक्ट किया, द क्रैक्ड एंड सेपरेटिंग स्किन ऑफ हर फिंगर एंड्स, और उस रेडिएशन की वजह से उसकी जो फिंगर है उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ कि वो क्या हो गई, क्रैक होने लगी उसकी फिंगर टिप्स पे। सेपरेटिंग का मतलब है उसमें पस, जो पस होता है ना, फोम करने लगा पस उसकी स्किन में, उसकी जो फिंगर एंड मतलब फिंगर टिप्स है उस पे, टिल शी कुड नो लॉन्गर होल्ड अ टेस्ट ट्यूब और अ पेंसिल। कब तक वो उसको डिनाई करती रही, वो उसको इग्नोर करती रही, जब तक उसकी उसके हाथों ने, हैंड्स ने काम करना बंद नहीं कर दिया हो, जब तक वो एक पेन भी नहीं पकड़ पाई हो, मीन्स उसकी जो फिंगर्स हैं वो क्या हो गई थी, एकदम से ख़राब होना स्टार्ट हो गई, वो काम करना बंद कर दिया, उसमें पस होने लगा। देन दिस इज़ द सैड ट्रेजेडी हेयर, शी डाइड अ फेमस वुमन डिनाइंग। फेमस वुमन बोला है किसको, मैडम क्यूरी को, क्यों, क्योंकि शी वॉज अ पावरफुल वुमन, शी वॉज द फर्स्ट वन हु वॉन नोबल प्राइज, शी वॉज
a first woman who won two time Nobel Prize, like in 1903 and 1911. Two time उसने physics and chemistry का उसको Nobel Prize मिला. और एक वो powerful थी in patriarchal society में. So जब वो मरी तो वो क्या थी, famous woman थी. लेकिन फिर भी उसने क्या किया, deny किया her wounds, जो उसको wounds से, यहाँ पे उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो मेंटल पावर है, वो जो अपने वर्क के लिए इतना ज़्यादा डिवोटी थी, उसके लिए बोला है कि उसने उन सब के लिए अपनी जो बॉडी में सिकनेस है उसको भी डिनाई कर दिया, उसको भी इग्नोर कर दिया. हर वंस डिनाइंग यहाँ यूज हुआ है, एंजामेंट यूज हुआ है. जहाँ एंजामेंट क्या होता है, लाइन्स स्प्लिट्स हो जाती है. यहाँ मोस्टली क्या है, एम्फेसाइज किया है ऑन हर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ हर बॉडी. उसने वो जो रिफ्यूज कर दिया था, वो जो ट्रूथ था उसकी बॉडी में, जो रिएक्शन हो रहा था उससे, हर वुंड्स केम फ्रॉम द सेम सोर्स एज हर पावर. अब यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि वो सैड ट्रेजेडी क्यों हुई, बिकॉज शी डिनाइड, शी रिफ्यूज्ड द सेम सोर्स ऑफ पावर. वो पावर जो उसको फेमस बनाया, जिसने वो रिसर्च, जिसने उसको पावर बनाया, पावरफुल बनाया, उसी ने उसकी जान ले ली. सो वो सेम सोर्स था, वो रेडिएशन था, उसने ही उसकी डेथ है, उसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई थी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. यहाँ पे स्पीकर बोल रही है कि पावर इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग बिकॉज इट कैन बोथ डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैरी क्यूरी को फेमस बनाने में भी उस रेडिएशन का ही हाथ था, एंड देन उसको डिस्ट्रॉय, उसकी डेथ के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल था. यहाँ पे जो रेडिएशन है ऑफ दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टार्टेड टू डैमेज हर बॉडी. यहाँ पे उसकी बॉडी को डैमेज करने लगा, इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. एंड दिस पोएम इज अबाउट ओनली दिस मैरी क्यूरी who represent all women in the world, because here speaker says that a woman can do anything because of her determination. एक woman की जो determination है वो इस हद तक जा सकती है कि वो उन सब चीज़ों को neglect कर सकती है जो शायद उसको बहुत ज़्यादा ही क्या कर रहा हो, effect कर रहा हो, उसको sick बना रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी जो determination है, उसकी जो will power है, उसको कोई भी break नहीं कर सकता. even death भी उसको उससे अलग नहीं कर सकता. so I hope you understood this one. so I hope you understood all the things in this poem. Till then, bye, have a nice day. But before going to end up this video, I'm requesting you all, please subscribe this channel, press the bell icon, and if you have any query regarding any topic, then comment in comment section. Till then, bye, have a nice day.